फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूल गोभी के पकोड़े, जो रेस्टोरेंट से भी अच्छा और टेस्टी क्रिस्पी है। आप एक बार ऐसे फूल गोभी का पकोड़ा बनाइए, देखेंगे कि आप रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फूल गोभी के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, गोभी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है ये गोभी के कुछ ये टुकड़े लिया है, ये देखिए। और मैंने ये मसाले में लिया है धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, ये कस्तूरी मेथी है, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिया है जो अच्छा टेस्ट आएगा गोभी के पकोड़े में, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से आप लीजिए, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। ये नमक लिया है, नमक अपने हिसाब से लीजिएगा। जब आप बैटर बनाएंगे तब उसमें थोड़ा सा चेक करके ज़्यादा कम कर सकते हैं आप। और ये मैंने बेसन लिया है आधा कटोरी। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा चावल का आटा जो है मैंने लिया है 2 चम्मच। तो और ये है जो तेल है फ्राई करने, गोभी के पकोड़े को फ्राई करने के लिए तेल मैंने लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए गैस पे पानी चढ़ा दिया है, और इसमें हम क्या करेंगे, ये गोभी गोभी को डाल देंगे ये पानी में। और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक उबाल आने तक पका लेंगे, और तुरंत ही इसको ड्रेन कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल रहने नहीं देंगे, इसको ड्रेन कर देंगे। ये एक उबाल आने तक हम क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे ताकि ये गोभी के अंदर नमक चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक उबाल आने देते हैं। फ्रेंड्स, कोई कोई क्या करते हैं, जो कच्चा गोभी का पकोड़ा बनाते हैं उससे क्या होता है, ऊपर का कोटिंग तो पक जाता है लेकिन अंदर से गोभी पकता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3-4 मिनट इसको पका लेंगे और पानी को तुरंत ड्रेन कर देंगे। पानी में गोभी को हम रहने नहीं देंगे, अगर रहने देंगे तो गोभी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और पकौड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, क्रिस्पी पकौड़ा बनाना है, इसलिए गोभी थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए। तो उबाल आने देते हैं गोभी को। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी गोभी को उबाल दिया है और तुरंत इसका पानी निकाल दिया है, ड्रेन कर दिया है। ये देखो, देखिए ये पूरा ड्राई है अभी। अभी हम क्या करेंगे, गोभी के पकोड़े के लिए घोल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाउल में क्या करेंगे हम, ये जो बेसन है बेसन डाल देंगे। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सर बनाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये बेसन मिक्स नहीं होगा, इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और अच्छा मिक्सर नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करना है हमें, अच्छा बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छा सा बैटर बनाएंगे, और फिर इसमें हम साथ में चावल का आटा भी मिक्स कर देते हैं। चावल के आटे से क्या होता है फ्रेंड्स, अच्छा सा क्रिस्पीनेस आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा चावल का आटा ही ऐड करती हूँ। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा भी क्या करेंगे, पानी डाल के इसका घोल बना देते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने ये घोल बना दिया है, बेसन और चावल के आटे का घोल। देखिए ऐसा होना चाहिए मिक्सर, तभी जाके हमारा जो पकोड़ा अच्छा बनेगा। ज़्यादा पतला होने से क्या होगा, पकोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। अभी देखिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं 1 चम्मच गरम तेल इसमें मिक्स कर दूँगी। जब भी मैं कोई पकोड़ा बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मिक्सर में थोड़ा सा मैं ऑयल गरम तेल डाल देती हूँ, ताकि वो जो भी पकोड़ा है वो थोड़ा क्रिस्पी बन जाए। देखिए तेल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो मसाले रखे हैं ना फ्रेंड्स, वो उसको ऐड कर देंगे। अभी देखिए, ये धनिया पाउडर है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। ये नमक है, नमक डाल दिया मैंने। ये लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। फ्रेंड्स, आप हरी मिर्ची को भी पतला पतला काट के इसमें डाल सकते हैं। देखिए ये सब मसाले मैंने ऐड कर दिया है।
फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मिक्सचर बना है, देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। पकौड़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए ऑयल मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक एक पकोड़ा को इसमें डाल के फिर हम फ्राई करेंगे। पहले तो हम देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। हाँ फ्रेंड्स देखिए ऑयल पूरा गर्म हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक पकोड़ा डीप करके इसमें ऑयल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम क्या करेंगे, पकोड़ा को फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से मैंने कोटिंग कर दिया है। अभी मैं इसे तेल में से छोड़ दूंगी और हमें क्या करना है, दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। देखिए और फ्लेम मीडियम पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। हाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो ऊपर से ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं। ये देखिए अब जितना इसमें आ जाए देखते हैं उतना डाल देंगे। मैंने 250 ग्राम से थोड़ा ही ज़्यादा गोभी लिया है, थोड़ा सा ही, और उसके लिए मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है और 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप चाहे तो 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। मैं हमेशा अलग अलग बदल बदल के मैं पकोड़ा बनाते रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब इतना आ गया तो थोड़ा सा स्पेस दे के बनाते हैं, नहीं तो ये सब क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। चलिए फिर दोनों तरफ हम गोल्डन ब्राउन करके गोभी को फ्राई करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने दोनों तरफ से पकौड़ों को अच्छे से पकाया है, दोनों तरफ से ये हमारा पकौड़ा अभी रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। और फ्रेंड्स और जो थोड़ा जो फूलगोभी बचा हुआ है उसका भी पकौड़ा बना देते हैं, फिर हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है पकौड़ा, देखिए कितना अच्छा बना है आप देख सकते हैं। देखिए और बाकी जो बचा है उसका भी अच्छे से पकौड़ा बना देते हैं, फिर हम प्लेटिंग करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने प्लेटिंग कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं तो इसे चाय के साथ और गरम और ग्रीन चटनी के साथ खाऊंगी। आप अपने पसंद के सॉस के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही गोभी के पकोड़े बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।